प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का कार्यक्रम नवी मुंबई बीजेपी जिला उपाध्यक्ष नितिन आर के कंधारी के कार्यालय में किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता दर्शाई और मुख्य रूप से ऑड्री मोराइस, प्रवीण पाटिल, मालती सोनी, दीपक चौधरी, सुभाष विश्वकर्मा, राधेश्याम पांडे, हीरा, राजू पटेल व आर रमन व अन्य लोग शामिल रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुना। इसके साथ कंधारी के माध्यम से वोटिंग कार्ड नोंदनीकरण का भी कार्यक्रम किया गया। उपस्थित लोगों ने इसका लाभ लिया। कंधारी ने मन की बात की जानकारी देते हुए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मन की बात सुनकर लोगों के मन में कई विकसित बदलाव आ रहे हैं। हमेशा की तरह आज भी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम हमारे कार्यालय में हुआ और हमेशा की तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या यहाँ के नागरिक हो, सब उपस्थिति अच्छी रही। वो रुके रहते हैं कि कब हम आखिरी संडे आए और मोदी जी के मन की बात हमको सुनने का मौका मिले, जिससे प्रेरित होके लोग आज विभिन्न एरियाओं में जो काम कर रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं उनको प्रसिद्धि मिल रही है। मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि ये प्रोग्राम के ज़रिए वो लोगों को हर जगह पे पहुंचा रहे हैं। वहीं उपस्थित लोगों ने भी मन की बात कार्यक्रम की सराहना करते हुए नितिन कंधारी का आभार व्यक्त किया है। पहले तो नितिन कंधारी साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मैं उनके साथ 2018 से मैं जुड़ा हूं और आज भी जुड़ा हूं और उनके साथ एक मैं ही नहीं कई कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ा हुआ है। जो प्यार हमको मिलता है वो प्यार सभी को देते हैं एक तरीका, ऐसा नहीं कि भेदभाव है, धर्मवादी जातिवादी ऐसा कुछ भी नहीं है उनके सामने में। तो नितिन कंधारी साहब आज भी जो ऑफिस में मन की बात हुआ, एक तो महीनों के बाद हम लोग मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि एक परिवार में घर में आके हम बैठे हैं और बहुत प्यार मिलता है नितिन गंधारी साहब से और ऐसा प्यार मैं चाहता हूँ कि हमेशा बरकरार रहे। आज मैंने नितिन गंधारी साहब के माध्यम से आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी साहब के मन की बातें सुना, बहुत अच्छा लगा। रही बात हमारे गंधारी साहब का, तो मैं बहुत सालों से जुड़ा हूँ उनसे और कंधारी साहब का ज़्यादा फोकस रहता है कि सामाजिक कार्य, गरीबों का उद्धार कैसे हो, उनको हर लाभ कैसे मिले, हर संभव प्रयास करते हैं और इनमें कोई भेदभाव नहीं। सबसे बड़ी बात है कि इंसानियत की बहुत अहमियत रखते हैं ये। इनके हर कार्यक्रम में सम्मिलित होता हूँ ज़्यादातर, अगर मैं बाहर हूँ तो कोई बात नहीं, अगर रहता हूँ मुंबई में तो आता ही हूँ। कंधारी साहब को बहुत धन्यवाद और आप तमाम देशवासियों से पुनः ये आग्रह है कि जो भी आदरणीय प्रधानमंत्री का योजना होता है जन जन तक पहुंचाए, मोदी साहब को आगे बढ़ाएं। जय हिंद। मी दर संडेला म्हणजे महिन्याच्या शेवटी जे मोदीजींचं मन की बात असतं त्याला, त्या कार्यक्रमाला नेहमीच नितीन कंधारींच्या ऑफिसमध्ये उपस्थित दाखवतो। जी निर्णय जे योजना आहे त्यांच्यावर सखोल चर्चा झाली। मी तर म्हणतो की भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता हा नितीन कंधारी एकदम जिल्ह्यात जसे नवी मुंबई जिल्ह्याचे उपाध्यक्ष आहेत, त्यांच्या ऑफिसमध्ये नेहमीच निर्णय प्रोग्रामचे आयोजन असते, सामाजिक असू द्या, राजकीय असू द्या, सर्व कार्यक्रमांचे ते आयोजन नेहमी धडाडीने करत असतात। व्हिडिओ जर्नलिस्ट राहुल कदम साथ पंकज बिनवंशी की रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई।